दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करें आईपीओस की और आज देखेंगे 21 फरवरी को सबसे बेस्ट आईपीओ कौन सा है और किस में ग्रे मार्केट में तेज़ी चल रही है और किसके अंदर सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। बात करेंगे जूनिपर होटल लिमिटेड आईपीओ जो आज से स्टार्ट हो रहा है और साथ साथ में दो आईपीओ और भी चल रहे हैं, डीम रोल टेक लिमिटेड और जेनिथ ड्रग्स लिमिटेड आईपीओ। दोनों के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है और ज़बरदस्त ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देखने को मिल रहा है और साथ साथ में एक आईपीओ और भी स्टार्ट होने वाला है, नाम है सदौ शिपिंग आईपीओ। सारी बातें सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें। एक एसएमई आईपीओ के बारे में, नाम है डीम रोल टेक लिमिटेड आईपीओ। इस आईपीओ का फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो गया है, आज इस आईपीओ का सेकंड डे है वो देखेंगे और साथ साथ में क्या गिरे मार्केट पर इम्प्रिंट कर रहा है वो देखेंगे। बात करेंगे इसके सब्सक्रिप्शन के बारे में तो अदर्स के अंदर करीब करीब आईपीओ के अंदर फर्स्ट डे वन टाइम तक का सब्सक्रिप्शन आ चुका है, यानी पूरा ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है फर्स्ट डे और 14,77,00,000 तक का अमाउंट भी देखने को मिल रहा है। बात करेंगे रिटेल की, रिटेल इन्वेस्टर भी इसके अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। 3 से 4 टाइम तक का ये आईपीओ के अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला फर्स्ट डे और अमाउंट भी करीब करीब इस आईपीओ के अंदर 48 करोड़ तक का अमाउंट भी लग चुका है। अगर ओवरऑल आईपीओ की अगर टोटल सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करते हैं तो अभी तक ये आईपीओ फर्स्ट डे ही 2 टाइम तक का ओवर सब्सक्राइब हुआ और अमाउंट भी करीब करीब 63 करोड़ से 64 करोड़ तक का इस आईपीओ के अंदर अमाउंट भी लगा। अगर डे बाई डे बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया ये आईपीओ का कल फर्स्ट डे था, आज इस आईपीओ का सेकंड डे और सेकंड डे अक्सर मैं कहता हूँ रिटेल इन्वेस्टर को इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए, सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। चलो आईपीओ के अंदर आज क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रेंड कर रहा है वो भी देखते हैं। डीम रोल टेक आईपीओ की डे बाई डे ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, जैसे मैंने बताया ये आईपीओ फर्स्ट डे उसका कंप्लीट हो चुका है कल के दिन, आज 21 फरवरी 2024 आज आईपीओ का सेकंड डे है। आईपीओ का हाईएस्ट प्राइस बैंड 129 रुपीज़ है, अगर रिटेल सब्सक्रिप्शन ले रहे तो हाईएस्ट प्राइस बैंड 129 रुपये पे ही सब्सक्रिप्शन लें, इस पर 100% चांसेस रहेगा। 129 रुपये का ये आईपीओ 163 रुपीज़ पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिला, करीब करीब इस आईपीओ के अंदर 26% तक की तेजी देखने को मिली। जब से ये आईपीओ आया हुआ 20% में गिरे मार्केट प्रीमियम ओपन हुआ था और आहिस्ता आहिस्ता ये आईपीओ करीब करीब 34 रुपीज़ तक का प्रॉफिट देखने को मिला। उम्मीद की जा रही है इस आईपीओ के अंदर भी हमको करीब करीब 50 से 60% तक की इसकी लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। जैसे भी रुझान रहा डे बाई डे वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है उसके माध्यम से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके डीम रोल के अंदर सब्सक्रिप्शन लो, ये आईपीओ भी अच्छा पैसा बना के देगा। वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। जेनिथ ड्रग्स लिमिटेड आईपीओ के बारे में फिलहाल देखा जाए तो ये आईपीओ का लाइव स्टेटस क्या है देख लेते हैं। ये आईपीओ का 8th डे है, कल ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा 22 तारीख को। फिलहाल बात करेंगे इसके सब्सक्रिप्शन के बारे में तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल के जरिए आईपीओ के अंदर 3 टाइम तक का ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। आज इस आईपीओ का 3rd डे है, कल आईपीओ क्लोज हो जाएगा और अमाउंट भी इसके अंदर 23-24 करोड़ तक का अमाउंट भी इसके अंदर लग चुका है। और बात करेंगे नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की तो आईपीओ के अंदर 2 से 3 टाइम तक का सब्सक्रिप्शन आ चुका है और अमाउंट भी 12 से 13 करोड़ तक का लग चुका है। बात करेंगे रिटेल की, रिटेल इन्वेस्टर खासकर एसएमई आईपीओ के अंदर ज़्यादा अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ज़्यादातर सब्सक्रिप्शन रिटेल का देखने को मिला क्योंकि एसएमई आईपीओ के अंदर रिटेल का पैसा ज़्यादा बन रहा है। फिलहाल ये आईपीओ के अंदर 9 से 10 टाइम ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ और अमाउंट भी सबसे ज़्यादा 111 से 12 करोड़ तक का अमाउंट लग चुका है। अगर आईपीओ के बारे में बात करेंगे टोटल सब्सक्रिप्शन की तो अभी तक इसके अंदर 6 टाइम तक का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है और अमाउंट भी 148 करोड़ का लग चुका है। ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन चल रहा है इस आईपीओ के अंदर। अगर डे बाई डे बारे में बात करते हैं तो ये आईपीओ 2 दिन के अंदर फर्स्ट डे 2 टाइम हुआ, सेकंड डे कल था, कल इसके अंदर 6 टाइम तक का सब्सक्रिप्शन है। 8th डे है, कल ये आईपीओ 22 तारीख को क्लोज हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसके माध्यम से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके ये आईपीओ के अंदर भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ये आईपीओ भी अच्छा पैसा बना के देगा। चलो और भी क्या अपडेट है साथ साथ वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा वीडियो को लाइक कर रहे हैं। जेनिथ ड्रग्स लिमिटेड आईपीओ के बारे में फिलहाल देखा जाए इस आईपीओ के अंदर डे बाई डे क्या गिरे मार्केट प्रीमियम ट्रेंड कर रहा है वो देखेंगे। 19 फरवरी को ये आईपीओ स्टार्ट हुआ था, आज 21 फरवरी 2024 22 तारीख को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा, यानी कल के डेट में। फिलहाल आज के डेट में देखा जाए तो 79 रुपीज़ पे आईपीओ आया हुआ है। अक्सर वीडियोस में बताता हूँ सर, सेकंड डे या 3rd डे, सेकंड लास्ट डे, कम से कम रिटेल को इसके अंदर सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। 79 रुपीज़ का आईपीओ 96 पे ट्रेड करें, करीब करीब 21 से 22% तक की तेज़ी बनी हुई है। जब से स्टार्ट हुआ है 8% पे ग्रे मार्केट प्रीमियम स्टार्ट हुआ था और 8 से आज करीब करीब 20 से 22% तक का ग्रे मार्केट प्रीमियम चढ़ चुका है। इन 79 रुपीज़ के इस आईपीओ में 17 रुपीज़ तक का प्रॉफिट देखने को मिला। उम्मीद की जा रही है ये आईपीओ भी कम से कम 20 से 30% पे ग्रे मार्केट प्रीमियम ये लिस्टिंग की उम्मीद की जा सकती है। फिलहाल अभी आईपीओ चल रहा है, कल आखिरी दिन है, जैसा भी रुझान रहा डे बाई डे वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। वीडियो पसंद है लाइक एंड सब्सक्राइब। एक नए अपकमिंग आईपीओ के बारे में, नाम है सदौ शिपिंग लिमिटेड आईपीओ के बारे में। फिलहाल अगर डिटेल देखा जाए ये आईपीओ 23 तारीख से स्टार्ट होगा, 27 तारीख को ये आईपीओ
क्लोज भी हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपया पर शेयर पे आ रहा है और आईपीओ की जो प्राइस है 95 रुपीज़ पर शेयर पे आईपीओ आ रहा है और एक लॉट के अंदर करीब करीब 1200 शेयर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि एसएमई आईपीओ है, एसएमई आईपीओ को सिर्फ और सिर्फ लॉट के अंदर ट्रेडिंग होती है। तो इसके अंदर फिलहाल अभी आईपीओ आया है तो लॉट के अंदर ही इसके अंदर बाय और सेल कर सकते हैं। जब ये लिस्ट हो जाएगा उसके बाद इसके अंदर भी सिर्फ और सिर्फ लॉट के अंदर ही ट्रेडिंग होती है, ये चीज़ ध्यान रखना। एसएमई आईपीओ के अंदर हमेशा लॉट के अंदर ट्रेडिंग होगी। फिलहाल ये आईपीओ का जो टोटल इशू है 38 करोड़ का ये आईपीओ है, पूरा ही पूरा ये फ्रेश इशू देखने को मिलेगा 38 करोड़ के इस आईपीओ में। और साथ साथ में इस आईपीओ के अंदर जो लिस्टिंग देखने को मिलेगी एनएससी एसएमई पे लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि एक एसएमई आईपीओ जिसके न सिर्फ और सिर्फ लॉट के अंदर ही ट्रेडिंग होती है। बात करेंगे इसके रिजर्वेशन के बारे में, तो 50% इसके अंदर रिटेल के लिए रखा गया है और 50% इसके अंदर अदर्स के लिए रखा गया। चलो और भी क्या अपडेट है साथ साथ में वो भी देख लेंगे, उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक करें। जूनिपर होटल लिमिटेड आईपीओ के बारे में फिलहाल देखा जाए, मेन बोर्ड या आईपीओ आज से स्टार्ट हो रहा है, आज 21 फरवरी 2024, आज से सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा और 23 तारीख को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पे आ रहा है और साथ साथ में आईपीओ की जो प्राइस है 243 रुपीज़ से 360 रुपीज़ के बीच में आ रहा है। अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो हाईएस्ट प्राइस बैंड 360 रुपए इसके ऊपर ही लें, इस पर 100% चांसेस रहेगा आईपीओ मिलने का। और इसके अंदर एक लॉट के अंदर करीब करीब 40 शेयर्स रखा गया है और टोटल इशू साइज करीब करीब 1800 करोड़ का ये आईपीओ और पूरा की पूरा ये फ्रेश इशू देखने को मिलेगा 1800 करोड़ के इस आईपीओ में। बात करेंगे लिस्टिंग की, तो हमको बीएससी एनएससी दोनों एक्सचेंज पे लिस्ट होगा, क्योंकि मेन बोर्ड ये आईपीओ है जो दोनों एक्सचेंज पे लिस्ट हो रहा है। बात करेंगे इसके रिजर्वेशन के बारे में, तो फिलहाल सबसे ज़्यादा कोटा इसके अंदर क्यूआईबीस का रखा गया है यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल का, और रिटेल का 10% रखा गया है और एचएनआईस का इसके अंदर 15% रखा गया है। चलो आईपीओ के अंदर और भी क्या अपडेट है, ग्रे मार्केट प्रीमियम वगैरह वो देख लेते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक करें। जूनिपर होटल लिमिटेड आईपीओ डे बाय डे ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, तो फिलहाल आज से सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है और आज ही से ग्रे मार्केट प्रीमियम ओपन हो चुका है। फिलहाल देखा जाए तो 21 तारीख का नहीं, आज से सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है 360 रुपये के प्राइस पे। अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे तो हाईएस्ट प्राइस बैंड 360 रुपीज़ पे ही ले, जिस पे 100% चांसेस रहेगा आईपीओ मिलने का। 360 रुपये का आईपीओ है, 368 पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, करीब करीब 2 से 3% तक इसके अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है। ये कह सकते हैं अगर आईपीओ फिलहाल अभी सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हुआ है, जैसे जैसे सब्सक्रिप्शन बढ़ता है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आएगा, तो उम्मीद की जा रही है 10 से 20% पे लिस्टिंग होने की आईपीओ के अंदर उम्मीद की जा सकती है। अगर 10 से 20% पे भी लिस्ट होता है तो उसको अच्छी लिस्टिंग मानी जाती है आईपीओ के अंदर। जैसा भी रुझान रहा डे बाई डे वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई, उसके माध्यम से डीमेट अकाउंट ओपन करके जूनिपर होटल्स के अंदर सब्सक्रिप्शन लो, ये आईपीओ भी अच्छा पैसा बना के देगा। वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते चलो।